मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस इसकी फोकल लेंथ है f, ये पॉइंट हो गया माइनस f, ये माइनस टू f, यहां इन्फिनिटी, ये f, ये 2f और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब चलो, तो जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, ये तो पता है इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस से, फोकस पे यहां पे बनेगी, है ना। इन्फिनिटी और माइनस टू एफ के बीच में होगा तो फोकस और टू एफ के बीच में, एफ और टू एफ के बीच में बनेगी। माइनस टू एफ पे होगा तो प्लस टू एफ पे बनेगी, प्लस टू एफ पे बनेगी। माइनस टू एफ से माइनस एफ जाएगा तो बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ के बाहर, है ना, ठीक है। चलो, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से माइनस टू एफ तक आता है, इमेज एफ से टू एफ जाती है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की या इमेज की? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से माइनस टू एफ आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करता है, इमेज एफ डिस्टेंस, सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की होगी ना, यस सर। तो यहां से यहां आने में ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, मतलब यहां से ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां जा रहा है पहले पाथ में, तो हमारी इमेज जो है वो यहां से यहां जा रही है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। फिर ऑब्जेक्ट यहां से आगे बढ़ा, ये सेकंड पार्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट गया माइनस टू एफ से माइनस, तो फर्स्ट पार्ट में इमेज की स्पीड, ठीक है, फर्स्ट रीजन में वी आई इज ग्रेटर देन वी ओ। अब सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्ट गया माइनस टू एफ से माइनस है, इमेज कहां जा रही है? सर फर्स्ट पार्ट में तो ओ की ज्यादा स्पीड है ना ऑब्जेक्ट की, मतलब, हाँ, वेरी गुड, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, सब लोग बस सुनते हैं, ध्यान नहीं देते, मैंने गलत लिख दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो गलत सीख लेंगे, तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अब आप लोगों को भी ध्यान देना है कि क्या बोला है और वही लिखना है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और इमेज कहां से कहां जा रही है? सर 2f से इन्फिनिटी, 2f से इन्फिनिटी जा रही है, वेरी गुड। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इमेज, 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 इमेज की ज्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है तीसरे पार्ट में, इमेज कहां से कहां जाएगी? सर इमेज तो पीछे बने, इमेज पीछे से अलॉट के यहां आ गए, इमेज इंफिनिटी से यहां पहुंचे, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे होता है तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे, लेकिन ये कैसी इमेज हो जाएगी? वर्चुअल। हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल, रियल की बात है इंफिनिटी से माइनस एफ तक, ठीक है। अब दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है और जो पीछे से आ रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस दोनों के बीच की बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी, कम होगी, है ना। एक कार है और एक दूसरी भी कार है, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, कम होगी। अगर ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से तो बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा सर, बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से माइनस टू एफ आ रहा है और इमेज एफ से टू एफ जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इमेज की स्पीड कम है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, कम होगी। फिर ऑब्जेक्ट माइनस टू एफ से माइनस एफ गया, इमेज टू एफ से इन्फिनिटी गई, अब इमेज की डिस्टेंस ज्यादा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। अब मान लो ये दो कार जा रही थी, ये कार पहले इसके नजदीक जा रही थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है अगर, तो फिर इसकी स्पीड बढ़ गई मान लो,
तो जिस पॉइंट पे दोनों की स्पीड सेम हुई होगी वहां पर मिनिमम डिस्टेंस होगी ना दोनों के बीच की। समझ आ रहा है ना, जब तक इसकी स्पीड ज्यादा है ये नजदीक आएगा, इसकी बढ़ रही है और इसकी मान लो कम हो रही है तो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे दोनों की स्पीड बराबर होगी और उसके बाद इसकी और बढ़ गई इसकी और कम हो गई क्योंकि दूर चला जाएगा, फिर वो सेपरेट होने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक ये अप्रोच कर रहा था, इस 2f और -2f पे दोनों की डिस्टेंस बराबर है मिरर से, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, इसके बाद इमेज की स्पीड तेज हो जाती है, तो मिनिमम सेपरेशन कब होगी दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा और इमेज यहां पर होगी, तो मिनिमम सेपरेशन होगी ना दोनों के बीच में। Yes, कितनी sir. होगी वो मिनिमम सेपरेशन, 4f 4f ओके ठीक है।